पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से लगातार हो रही हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में इस मसले पर दो याचिकाएं दाखिल हुई हैं। एक याचिका में घटना की सीबीआई जांच की मांग की गई है, वहीं दूसरी याचिका में राज्य की स्थिति को नियंत्रण से बाहर बताते हुए वहां तुरंत राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की गई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC ने पश्चिम बंगाल में हुई चुनावी हिंसा की बात का संज्ञान लेते हुए तुरंत जांच पड़ताल के लिए तथ्यात्मक जांच सहित टीम को आदेश दिया है। बंगाल में हो रही हिंसा और आगजनी, बलात्कार और हत्या पर पूरे देश में चिंता व्यक्त की जा रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश इस हद तक बढ़ गया है कि लोग ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं। भारत में अरेस्ट ममता बनर्जी, अरेस्ट ममता, बर्निंग बंगाल, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट रूल जैसे मुद्दे ट्विटर पर पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहे हैं। बंगाल में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताते हुए आज कंगना रनौत ने ट्विटर के माध्यम से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात रखी, जिसे नियमों की अनदेखी का हवाला देते हुए ट्विटर ने कंगना रनौत का अकाउंट ही पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। फिलहाल बदलते घटनाक्रम के बीच मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। साथ ही मानवाधिकार आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत टीम को जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। अब लोगों की मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ साथ ममता बनर्जी को गिरफ्तार किया जाए। पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा साफ देखा जा सकता है। ट्विटर पर आज अरेस्ट ममता, जलता बंगाल जैसे ट्विटर हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से लोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने और ममता को गिरफ्तार करने की बात कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि चुनाव के पहले ममता दीदी ने खेला होने की बात कही थी, खेला शुरू हुआ और ममता दीदी शांत हो चुके हैं। रिया डे ने कहा कि यह टाइम एक्शन लेने की है, हिटलर दीदी पर कार्रवाई होनी चाहिए।